Hello classmate, myself Ravi, I am your subject teacher. Now today I will teach English literacy in class 8, chapter number 4, whose named is Workers of the Night. ठीक, chapter number 4 जो कि English literacy में class 8 में जिसका नाम है Workers of the Night means रातों के कार्यकर्ता, ठीक, रातों के कार्यकर्ता, ठीक, या निगू के कार्यकर्ता, ठीक, इनको क्या बोलते हैं, निगू के कार्यकर्ता या रातों के कार्यकर्ता, ठीक। इंग्लिश लिटरेसी में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, एवरीबडी इज बिजी अर्निंग हिज हर लिवलीहुड. Most of them have to work during daytime, while some of them work at night. Their morning comes when others go to sleep. In this lesson, you will study how the night workers do their duty at night. Okay? That means हर कोई अपनी आजीविका कमाने में व्यस्त है. Okay? Everybody is busy earning his livelihood. हर कोई अपनी आजीविका कमाने में व्यस्त है. उनमें से अधिकांश को दिन के समय काम करना पड़ता है. ठीक, मोस्ट ऑफ देम हैव टू वर्क ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक, उसमें से क्या है, अधिकांश लोग क्या है, दिन के समय में काम करना पड़ता है, जबकि कुछ को रातों में जीत हासिल होती है. ठीक, वाइल सम ऑफ देम वर्क एट नाइट, कुछ जो वर्कर होते हैं वो नाइट में काम करते हैं. ठीक, Their morning comes when others go to sleep, जबकि दूसरे सो जाते हैं. ठीक, इस पार्ट में, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि रात में काम करने वाले रात में कैसे ड्यूटी करते हैं या ड्यूटी कैसे रात में करते हैं. ओके, नाउ सी, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. When you are getting ready to say good night to everybody before going to bed, some people are getting ready to go out to work. In the darkness of shadow and under bright bulbs, they go about their jobs. They help to make our lives easy, comfortable and pleasant, but their work and their word is often unknown to us who are day people. Okay? That means, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सोने से पहले, ठीक, When you are getting ready to say good night, जब आप सोने से पहले सभी को good night कहने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं. ठीक, कुछ लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं. छाया के अंधेरे में और चमकीले बल्बों के नीचे, ठीक, चमकीले बल्बों के नीचे वे अपना काम करते हैं. वे हमारे जीवन को आरामदायक और सुखद बनाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका काम और उनकी दुनिया अक्सर हमारे लिए अज्ञात होती है. ठीक, जो उनकी दुनिया होती है, जो उनका काम है, वो हमारे लिए अज्ञात है, मतलब उसको हम देख नहीं पाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं. ठीक, जब हम सोने जाते हैं, ठीक, जब हम लोगों का मन करता है कि ठीक है अब सो जाते हैं, सब गुड नाइट बिल्कुल सोने जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम पर रेडी होते हैं कि वो ऑफिस जाना है, उनको काम पर जाना है. ठीक, वो उस टाइम पर काम करने के लिए रेडी होते हैं. ठीक, ना Let's meet some of these workers of the night by staying up with them. It is just getting dark everywhere by this time. Day workers have either reached or are about to reach the cozy comfort of their homes. Okay, that means आइए रात में उन कुछ कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर मिले. ठीक, अभी अंधेरा हो रहा है. हर जगह इस समय तक दिहाड़ी मजदूर या तो पहुंच चुके हैं या अपने घरों में आरामदायक आराम तक पहुंचने वाले हैं. ठीक, आरामदायक अपने घरों में पहुंचने वाले हैं. इन फोर स्मॉलर नंबर नाइट वर्कर्स हैव बीन गेटिंग रेडी टू वर्क. ठीक, बहुत कम संख्या में कार्यकर्ता हो सकते हैं काम करने के लिए जो कि तैयार हो रहे हैं. जो नाइट में काम करते हैं उनकी संख्याएं कुछ कम होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अभी, मतलब क्या है कि अंधेरा होने वाला है, लोग घर पे आ गए हैं. ठीक, या तो घर पे आ रहे हैं या तो वो पहुंच चुके हैं दिहाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए. ठीक, काम करने के लिए कुछ लोग तैयार हो रहे हैं. ठीक,
तो उसी में से एक स्टोरी बताया है, तो अब हम स्टोरी को देखते हैं। ठीक, इट इज़ नाउ 8 o'clock, वर्क फॉर टुमारो मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। द न्यूज़ टू बी पब्लिश टुमारो हैज़ बीन कलेक्टेड एंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग। द ऑपरेटर विल स्टार्ट देयर हाईटेक ऑटोमेटिक मशीन विद इन 2 or 3 hours। ओके, इट मीन्स अभी 8 बजे हैं। ठीक, अभी 8 बजे हैं, कल सुबह के अखबार का काम जोरों पर चल रहा है। ठीक, कल प्रकाशित होने वाले समाचारों को एकत्र कर छापने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है, ठीक, 2 या 3 घंटे के भीतर अपनी हाईटेक जो मशीन है, स्वचालित मशीनों को शुरू कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, विद इन 2 or 3 hours में शुरू कर देंगे। ठीक, बाय 4 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग द अर्ली एडिशन विल बी रेडी फॉर डिस्पैच। बाय द टाइम यू वेक अप एंड रीड द मॉर्निंग न्यूज़पेपर द प्रिंटर्स विल बी गेटिंग रेडी टू गो टू बेड। ओके, इट मीन्स कि जो रात में जो न्यूज़पेपर छापने की तैयारी हो रही है, जो ऑपरेटर हैं, ठीक, वो मशीन को 2 या 3 घंटे में रेडी कर देंगे। ठीक, उसके बाद अगली सुबह, ठीक, 4 बजे ये जो न्यूज़पेपर है वो प्रेषित किया जाएगा। जब तक आप उठते हैं और सुबह का अखबार पढ़ते हैं, सोने के लिए तैयार हो रहे होंगे, ठीक, तब तक आपके पास वो पेपर पहुंच जाता है। ओके, नाउ एट 10 o'clock हंड्रेड्स ऑफ पीपुल आर स्टोरिंग द मेल विद द हेल्प ऑफ द पिन कोड नंबर्स। ठीक, द मेल्स विल बी सेंड बाय नाइट ट्रेन्स फ्लाइट एंड मेल स्वान सो दैट दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशंस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक, इट मीन्स कि 10 बजे सैकड़ों लोग पिन कोड नंबरों की मदद से मेलों की छटाई कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, मेलों की छटाई कर रहे हैं। जो मेल आते हैं, ठीक, वो रात की ट्रेनों, उड़ानों और मेल वैनों द्वारा भेजे जाएंगे। जो पेपर है वो कैसे भेजा जाएगा, ट्रेन से भेजा जाएगा, एरोप्लेन से भेजा जाएगा, ठीक, वाहन से भेजा जाएगा। तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। ठीक, पिन कोड डाला जा रहा है, कहाँ कहाँ डिस्पैच करना है, कहाँ कहाँ पहुँचाना है, तो ये सब तैयारी चल रही है। ठीक, सैकड़ों लोग उसमें काम कर रहे हैं। ठीक, जाएंगे ताकि वे अगली सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सके, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंच सकें। ठीक, ओके, अपने डेस्टिनेशन तक मॉर्निंग में पहुंच सके। इन द टेलीफोन एक्सचेंज हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग थ्रू आउट द नाइट टू कीप यू कनेक्टेड टू योर नियर एंड डियर वंस। ओके, इट मीन्स कि जो हमारे पेपर की जो छटाई हो रही है, जो सैकड़ों लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक, वो सुबह तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, टेलीफोन एक्सचेंजों में सैकड़ों लोग रात भर काम कर रहे हैं ताकि आप अपने प्रियजनों से जुड़े रहें। ठीक, इट इज मिड नाइट, सडनली द सायरन ब्लेस थ्रू द साइलेंट स्ट्रीट, अ फायर इंजन इज रेसिंग टूवर्ड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देर आर एन अलार्म ऑफ अ फायर इन द बेसमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ इट मीन्स कि अचानक क्या हुआ कि आधी रात में अचानक सायरन बजता है। ठीक, क्या होता है, सायरन बजता है, सभी लोग खामोश हो जाते हैं, खामोश सड़कों के माध्यम से, जब सड़कें खामोश होती हैं रात में, ठीक, तो उसकी गाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर दौड़ रही है। क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ दौड़ रही हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में के बेसमेंट में आग लगने की सूचना है। ठीक, एक डिपार्टमेंट बेसमेंट है जहाँ पे आग लगने की सूचना है। ठीक, नाउ इट इज, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट इज 1 o'clock द होल सिटी इज स्लीपिंग। ठीक, इट इज 1 o'clock, अभी 1 बज रहे हैं, सारा शहर सो रहा है। ठीक, द स्ट्रीट लाइट आर ग्लोइंग, फैंस कूलर एंड एयर कंडीशन आर मेकिंग द रूम कूल। स्ट्रीट लाइटें चमक रही हैं, पंखे, कूलर और एयर कंडीशन कमरों को ठंडा कर रहे हैं। ठीक, रेफ्रिजरेटर आर रनिंग कंटिन्यूसली कीपिंग द फूड स्टफ सेफ एंड फ्रेश। ठीक, और एयर कंडीशन, जो हमारा
वो है एयर कंडीशन, वो क्या कर रहा है कमरे को ठंडा कर रहा है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और ताज़ा रखते हुए रेफ्रिजरेटर लगातार चल रहे हैं, ठीक, जो फ्रिज है वो लगातार चल रहे हैं, ठीक। सो मच इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंज्यूम, द नाइट शिफ्ट वर्कर्स इन द पावर स्टेशन ऑफ द सिटी आर हार्ड टू वर्क, इन द मॉर्निंग अनदर लॉट ऑफ वर्कर्स विल टेक देयर प्लेस फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स, ठीक। इट मीन्स कि इतनी बिजली की खपत हो रही है, शहर की बिजली घरों में रात की पाली में काम करने वाले कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, सुबह में अगले 8 घंटों के लिए कई और कार्यकर्ताएं अपनी जगह ले लेंगे, ठीक। नाउ इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर द स्टाफ्स ऑफ द एयरपोर्ट आर ऑन देयर टोज एवरी नाइट, इट इज 2 o'clock एट नाइट एंड प्लान्स आर बोथ लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन आर मॉनिटरिंग देयर मूवमेंट ऑन द रेडार स्क्रीन्स, द पैसेंजर आर गोइंग थ्रू अ हाई सिक्योरिटी चेक जोन वेयर बोथ फिजिकल एंड लेजर चेक्स आर बींग डन बाई मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म, द एयरपोर्ट स्टाफ गाइड द पैसेंजर एंड स्क्रीन देयर चेक इन लगेज इलेक्ट्रिकली, वर्कर आर मैनेजिंग द कंट्रोल टावर्स एंड द प्लेन्स। नाउ इट मीन्स कि इस पैराग्राफ में क्या बताया कि हर तरह के मौसम में एयरपोर्ट के कर्मचारी हर रात चौकन्ना रहते हैं, ठीक। अब रात के बारे में बताया जा रहा है कि रात में कैसे कैसे वर्कर काम करते हैं, हमारा जो चैप्टर का स्टोरी है जो मेन थीम है यही है कि वर्कर्स ऑफ द नाइट, ठीक, रातों के कार्यकर्ता कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक। न्यूज़पेपर का हमने पढ़ा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। कहीं पे रात में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, ठीक, वहाँ पे गए, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, ठीक, स्ट्रीट लाइट जल रही है और ढेर सारी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ हो रही है, ठीक। और एयरपोर्ट की बात कर, अभी इस पर अगर मैं एयरपोर्ट की बात हो रही है तो इसमें होता है हर तरह के मौसम में एयरपोर्ट के कर्मचारी हर रात चौकन्ना रहते हैं, ठीक, कोई भी मौसम हो, लेकिन एयरपोर्ट के जो कर्मचारी होते हैं वो हमेशा एकदम टाइट रहते हैं। रात के 2 बज रहे हैं और विमान दोनों उतर रहे हैं, ठीक, विमान उतर रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं, इंजीनियर और टेक्नीशियन रडार स्क्रीन पर उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, ठीक। यात्री एक उच्च सुरक्षा जांच क्षेत्र में गुजर रहे हैं, ठीक, यात्री क्या कर रहे हैं, उच्च सुरक्षा क्षेत्र में गुजर रहे हैं जहां वर्दी में पुरुषों और महिलाओं द्वारा शारीरिक और लेजर दोनों जांच की जा रही है। आपने देखा होगा कि वहां पे जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, इन करते हैं या आउट होते हैं, ठीक, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे महिलाएं और जो पुरुष होते हैं जो वर्दी में होते हैं, ठीक, सिक्योरिटी के रूप में होते हैं, वो लोग उनके हाथ में मशीन होती है, ठीक, वो आपको चेक करते हैं, आपके लगेज को चेक करेंगे, ठीक, जो ऑटोमेटिकली चेक होती है, आपको लगेज रखेंगे और बाहर वो निकल जाएगा और वो सेंसर की माध्यम से उसको चेक किया जाता है, ठीक। तो वही इसमें बता रहा है कि जहां वर्दी में पुरुषों और महिलाओं द्वारा मेन एंड वीमेन इन यूनिफॉर्म द्वारा लेजर की जांच होती है, हवाई अड्डे के कर्मचारी यात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक, जब आप अंदर पहुंच जाते हैं तो वो आपका फिर मार्गदर्शन करते हैं, ठीक, उनके चेक इन सामान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्क्रीन करते हैं, कार्यकर्ता नियंत्रण टावरों विमानों का प्रबंध कर रहे हैं, ठीक। नाउ इट इज 3 o'clock, टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर अराइविंग बाई ट्रक्स एंड ट्रेन्स, दिस फील द मेन सब्जी मंडी फ्रॉम वेयर अदर ट्रक्स एंड वन विल टेक देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी बिफोर टाउन, ठीक। इट मीन्स कि अगर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इट इज़ अ 3 o'clock, मतलब क्या हो रहा है कि 3 बज रहा है, ठीक, ट्रकों और ट्रेनों से टनों फल और सब्जियां पहुंच रही हैं। आपने देखा होगा एकदम मॉर्निंग जब होता है तो जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में ही अपनी सब्जियां, फ्रूट्स, सब्जी मंडी पहुंचाने के लिए रेडी होने लगते हैं, जो जिसके पास ज़्यादा रहता है वो ट्रक में, ठीक, ट्रैक्टर से, ठीक, वाहन से, छोटे वाहन से, कुछ लोग अपने से रेडी होने लगते हैं, ठीक, प्रिपेयर करने लगते हैं कि अब कैसे हमको लेके जाना है, ठीक। ये मुख्य सब्जियां सब्जी मंडी को भरते हैं जहां से अन्य ट्रक और वैन सुबह होने से पहले उन्हें शहर में विभिन्न हिस्सों में ले जाएंगे, ठीक। क्या होता है कि फिर उनके पास डायरेक्शन रहता है कि कहां पे पहुंचना है, सुबह होने से पहले ही, सुबह होते होते वो लोग अपना हर जगह पहुंच जाते हैं, ठीक। द होरिजन इज फेंटली ग्लोइंग, देयर इज अ जेंटल टिंट ऑफ पिंक इन द ईस्टर्न स्काई, बट द
swirling waters of the sea are still dark. The fishermen are hauling in their last catch. They have been out the whole night because that is when the maximum fish is catch. Soon they will reach the open market near the harbor. There will be a lot of shooting and bargaining with the wholesaler who buy the fish and prams. It means कि शहर के विभिन्न हिस्सों में वो ले जाएंगे, ठीक, सब्जियां जो है वो ले जाएंगे, ठीक. द होरिजन इज फैंटली ग्लोइंग, मतलब क्षितिज चमक रहा है, मतलब आकाश जो है वो सुबह जब हो 3 बजने के बाद क्या होता है, हल्का हल्का जो हमारा जो आकाश है वो चमकने लगता है, ठीक. क्षितिज मंद मंद चमक रहा है, ठीक. हलवा आकाश में गुलाबी रंग का एक कोमल रंग है, ठीक. गुलाबी रंग का जो सूरज उगने लगता है तो क्या होता है, गुलाबी रंग का कोमल रंग है. लेकिन समुद्र का घूमता पानी अभी भी काला है, ठीक. मछुआरे अपनी आखिरी पकड़ में ढो रहे हैं, वे पूरी रात बाहर रहे क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक. रात में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं. जल्द ही वे बंदरगाह के पास खुले बाजारों में पहुँचेंगे, ठीक. सुबह जैसे ही होगा वो बंदरगाह पहुँचेंगे, समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं, ठीक, वहाँ वो पहुँचेंगे. मछली और झींगे खरीदने वाले थोक विक्रेताओं से खूब नोकझोंक और सौदेबाजी होती है, ठीक. क्या होती है, खूब नोकझोंक और सौदेबाजी होती है. नाउ इट मीन्स कि रात में जो वर्कर होते हैं वो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक. सारे वर्कर सभी जो जितने काम हैं सब रात में मोस्टली होते ही हैं, ठीक. तो जैसे जैसे इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे वर्कर्स काम करते हैं अपने, ठीक. तो Now, ट्रिंग ट्रिंग द अलार्म रिंग्स. इट इज 5 o'clock. द सन इज नॉट एट फुली अप. मोस्ट मदर्स आर वॉकिंग अप. सून दे विल बी कुकिंग ब्रेकफास्ट एंड प्रिपेयरिंग पैक्ड लंच फॉर द फैमिली. मीन्स कि ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ हुई, अलार्म बजता है, ठीक. 5 बजे हैं, सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं है. अधिकांश माताएँ, ठीक, अधिकांश माताएँ जग रही हैं. क्यों जग रही हैं, क्योंकि सुबह जब होता है तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं और अपने सुबह के रोज़मर्रा का जो काम होता है उसमें लग जाते हैं, ठीक. अधिकांश माताएं जग रही हैं. जल्द ही वे नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक, और परिवार के लिए लंच तैयार करने लगती हैं, पैक करने, जो जो लोग वर्किंग में हैं उनके लिए पैक होने, टिफ़िन पैक होने लगता है कि उन जल्दी से बनाओ, उनको पैक करके दो, फिर वो जाएंगे, ठीक. It is 6 o'clock. It is quite bright outside now. The newspaper deliver boy has already begun his round. It will take him or an hour to finish his work. Then he will ride home. After a bath and breakfast, he will dash to the bus stop to catch the bus to his office where he works as a doorman. Okay? Now, it means कि सुबह के 6 बज गए हैं, ठीक. सुबह के 6 बज रहा है. अब बाहर काफ़ी उजाला हो गया है, ठीक. अखबार के डिलीवरी बॉय ने अपना दौर शुरू कर दिया है, ठीक. जो रात में वर्कर ने काम किया था, ठीक, अब वो सुबह तक हर जगह डिस्पैच हो चुका है, ठीक. तो जिनका जहाँ जहाँ पे ड्यूटी है वो अपना काम करने के लिए रेडी हो गए हैं. जो डिलीवरी बॉय है वो अपना दौर शुरू कर दिया है. उसने अपना काम ख़त्म करने में 1 घंटा लगाएगा. फिर वह घर पहुँचेगा. स्नान और नाश्ते के बाद वह बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाने के लिए पहुँच जाएगा कार्यालय, जहां वह एक दरबान के रूप में काम करता है, जहां वह एक डोरमैन के रूप में काम करता है. नाउ इट इज़ नाउ वेल आफ्टर 7. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. थर्ड आउट आफ्टर देयर वर्क, द वर्कर्स ऑफ द नाइट आर ऑन देयर वे होम टू स्लीप. मीनवाइल द डे वर्कर्स आर रिटर्निंग टू वर्क. दे लुक फ्रेश एंड रिलैक्स्ड एज देयर डे हैज जस्ट बिगन. नाउ इट मीन्स कि सुबह 7 बज गया, ठीक. इट इज़ नाउ वेल आफ्टर 7, ठीक. अब 7 के बाद ठीक है, ठीक. सूरज तेज चमक रहा है. क्या होता है, सब 7 हो जाए सूरज पूरा पूरी तरह से निकल जाता है और उसमें चमक ज़्यादा हो जाती है, ठीक. सूरज तेज चमक रहा है. फिर काम के बाद जो रात में काम करते हैं वो फिर थके हुए होते हैं. वो रात में कर्मचारी सोने के लिए अपने घर जा रहे हैं, ठीक. वो सुबह अपना फिर ऑफिस से आते हैं, वो घर जाने की तैयारी. इस बीच जो दिन में कार्य करता है वो काम पर लौट रहे हैं, ठीक. काम पर फिर वो जाने के लिए रेडी हो रहे हैं. वे ताज़ा और तनाव मुक्त दिखते हैं क्योंकि उनके दिन की शुरुआत हो चुकी है.
जिन्होंने रात में सो लिया है वो दिन में सोने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनको तनाव से मुक्त हो गए हैं। तो इस पूरे स्टोरी का जो थीम था कि वर्कर्स ऑफ द नाइट, जो वर्कर हैं हमारे, वो नाइट में कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, ओके। ये स्टोरी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट नोट्स में मैं आपको एक्सरसाइज और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको सेंड करूंगा। नाउ इस स्टोरी को आप अच्छे से एक बार फिर से रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टोरी का थीम क्या था, ठीक, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगा फिर वो कंसल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।